वेलकम हमारे जीएसटीटी यूट्यूब चैनल्स पे फ्रेंड्स, ये टेस्ट नंबर 36 है, ये रिवीजन टेस्ट है आपके लिए फ्रेंड्स। इस पे हम फ्रेंड्स कुछ ओल्ड क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से बात करेंगे और जो कंफ्यूजन है उसको भी हम क्लियर करेंगे फ्रेंड्स पे। और ये फ्रेंड्स आपके लिए रिवीजन के लिए रखा गया टेस्ट है, अगर आपको अपना आंसर आता हो तो फ्रेंड्स आप अपना आंसर बता सकते हैं और आपको बताना है आपने कितने क्वेश्चन सही किए फ्रेंड्स, और आप अपना आंसर फ्रेंड कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताएं फ्रेंड्स। हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड टेस्ट सीरीज, रिवीजन टेस्ट है आपके लिए और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, वर्तमान में WHO में कितने देश सदस्य हैं फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है करंटली हाउ मेनी मेंबर्स कंट्री इन WHO फ्रेंड्स। WHO में कितने देश सदस्य हैं करंटली, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कितने देश सदस्य हैं फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट करिए आंसर अपना। अगर आपको आंसर आता हो फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट करें, इससे क्या होगा आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। ऑप्शन होगा इसका फ्रेंड्स बी, ऑप्शन क्या है इसका फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर है बी 194 फ्रेंड्स, 194 फ्रेंड्स। WHO में वर्तमान में प्रेजेंट में फ्रेंड्स जो WHO के मेंबर्स हैं कितने देश हैं, 194 देश WHO के मेंबर्स हैं प्रेजेंट में फ्रेंड्स। काफी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। इससे रिलेटेड फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं फ्रेंड्स जो काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, कब हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को, और 7 अप्रैल 1950 कमिंग टू इफेक्ट प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। 7 अप्रैल 1950 को फ्रेंड्स यह प्रभाव में आया था या लागू हुआ था, 1950 से फ्रेंड्स ये लागू हुआ था फ्रेंड्स, और उसी दिन से फ्रेंड प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे फ्रेंड्स सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप देख सकते हैं, WHO का जो मुख्यालय काफी पूछा जाता है एग्जाम में वो फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। स्विट्जरलैंड एक कंट्री है यूरोप की फ्रेंड्स, ये EU कंट्री है, यूरोप की एक कंट्री फ्रेंड्स, ये जिनेवा शहर में स्थित है फ्रेंड WHO का जो हेडक्वार्टर है मुख्यालय है। और जो फ्रेंड WHO है ये किसके अंतर्गत कार्य करता है, UNO, इसका फुल फॉर्म होता है UNO का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म आप लिख लें, UNO का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म होता है UNO का फ्रेंड्स। UNO का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है UNO, यूनाइटेड नेशन ओ से ऑर्गेनाइजेशन। जो WHO फ्रेंड्स संस्था है ये फ्रेंड्स UNO के अंतर्गत कार्य करती है फ्रेंड्स, और जो WHO में मेंबर्स हैं प्रेजेंट में 194 है, 194, इसलिए ऑप्शन क्या है इसका बी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 2, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर कमेंट करें इसका। ऑप्शन है 2, संचारी रोग निम्नलिखित से कौन सा है, कम्युनिकेबल डिजीजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या होगा आंसर इसका फ्रेंड्स, ऑप्शन है इसका सी एड्स। एड्स क्या है, संचारी रोग है, आपको हमने डिटेल समझाया हुआ है फ्रेंड्स कौन कौन सी बीमारियां संचारी होती हैं, आप अगर नहीं देखा फ्रेंड्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप डिटेल से देख सकते हैं। गैर संचारी रोग निम्नलिखित से कौन सा है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेंड्स, आपको बताना है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी है। ऑप्शन क्या होगा इसका डी डायबिटीज। डायबिटीज क्या है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है फ्रेंड। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ऐसी डिसीज होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेट के माध्यम से नहीं फैलती, उसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिहाज से फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की स्थापना कब की गई थी, कमेंट करिए आंसर अगर आपको आता हो, और आप बताएं कितने क्वेश्चन आपने सही किए फ्रेंड्स। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की स्थापना कब की गई थी, ऑप्शन इसका ए 1972 में की गई थी, 1972 में की गई थी फ्रेंड्स। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में बताया क्या गया था फ्रेंड्स, जितने भी प्रकार के जीव जंतु होते हैं फ्रेंड्स इनकी प्रोटेक्शन की जाती है, इनकी तस्करी न की जाए, इनका शिकार न किया जाए फ्रेंड, इससे रोक की जाती है फ्रेंड इस अधिनियम के तहत। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, आप यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं 1972, देश के वन्य जीव को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार तस्करी एवं अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था फ्रेंड्स। कौन सा अधिनियम, 1972 फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट अधिनियम है फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, टाइगर संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, जो फ्रेंड टाइगर संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था वो था 1973 में, 1973 में फ्रेंड टाइगर अधिनियम लागू हुआ था, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स। और ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लें आप इसे, जो टाइगर संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था ये 1973 में लागू हुआ था, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये है वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट 1972, लेकिन जो टाइगर एक्ट लागू हुआ था 1973, काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लें इसे दोनों क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बर्न पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती के तुरंत बाद कौन सी मेडिसिन दी जाती है। कोई भी पेशेंट जब फ्रंट जल जाता है तो उसे हॉस्पिटल में जब भर्ती कराया जाता है तो कौन सी मेडिसिन दी जाती है। ऑप्शन होगा इसका बी, एंटीबायोटिक दी जाती है फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक उसको दी जाती है फ्रेंड्स। इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स देख ले फ्रेंड्स, क्या क्या दिया जा सकता है उसको। टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल्स फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द बर्न वुड इंफेक्शन इंक्लूड द फेमी नाइट एसीटेट सिल्वर सल्फाटाइन। ये फ्रेंड्स कुछ मेडिसिन है जो फ्रेंड हॉस्पिटल्स में दी जाती है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस एंड सिल्वर इम्प्रेग्नेटेड ड्रेसिंग में। ये फ्रेंड्स कुछ मेडिसिन है, आप यहां पर पढ़ लें थोड़ा डिटेल्स में। ये मेडिसिन लिखे गए यहां पर सिल्वर सल्फाटाइजिन एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस एंड सिल्वर इम्प्रेग्नेटेड ड्रेसिंग। ये फ्रेंड्स कुछ मेडिसिन होती है जो फ्रेंड्स दी जाती है, प्रोवाइड कराई जाती है। और आपको इसमें थोड़ा समझना है फ्रेंड्स, यू मे पुट अ थिन लेयर ऑफ द आयनमेंट सच एज पेट्रोलियम जेली एलोवेरा जेल ऑन द बर्न। अगर फ्रेंड्स कोई मामूली से फ्रेंड्स जल जाता है, कोई पर्सन अगर हॉस्पिटल नहीं जा सकता तो उसको फ्रेंड्स एलोवेरा जेल और या पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करना चाहिए फ्रेंड्स। अगर हॉस्पिटल नहीं है तब आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं कि डॉक्टर सलाह लेने के बाद कोई भी कोई काम करें फ्रेंड्स। सम एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स कैन काज एन एलर्जिक रिएक्शन, डू नॉट यूज क्रीम लोशन ऑयल कॉर्टिसोन बटर एक वाइट। कह रहा है कि आप कोई भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो करें विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना करें, क्योंकि ये क्या होता है फ्रेंड्स, आपके लिए काजेज होता है, रिएक्शन हो सकता है, एलर्जी भी हो सकती है फ्रेंड्स। और अगर आप हॉस्पिटल आपसे आपके घर से बहुत दूर है तो आपको पेट्रोलियम जेली या एलोवेरा का इस्तेमाल कर लेना चाहिए उसको आयनमेंट के रूप में फ्रेंड्स। लेकिन ज्यादातर आपको हॉस्पिटल से सलाह लेनी चाहिए फ्रेंड्स, एक डॉक्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक बर्न पेशेंट के मैनेजमेंट में प्रायोरिटी नर्सिंग केयर क्या है फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन इसका बी, टू मेंटेन फ्लूइड बैलेंस। क्या होता है टू मेंटेन द फ्लूइड बैलेंस। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें फ्रेंड्स और आंसर दें इसका। क्वेश्चन नंबर 7, एक्जिमा एक बीमारी है फ्रेंड्स, किस चीज की बीमारी है, कमेंट करिए आंसर अपना। ऑप्शन इसका सी, त्वचा की बीमारी है फ्रेंड, स्किन डिजीज है एक्जिमा। आप यहां डिटेल में थोड़ा पढ़ सकती हैं एक्जिमा क्या होता है फ्रेंड। एक्जिमा इज द नेम फॉर द ग्रुप ऑफ द कंडीशन दैट कॉजेस द स्किन टू बिकम द इची एंड इन्फ्लेम्ड, हैव आर रैशेस लाइक द अपीयरेंस, देयर आर द 7 टाइप्स। जो एक्जिमा होता है फ्रेंड्स 7 टाइप्स होता है, और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, सूजन आ जाती है और खुजली करते हैं लोग, क्या करते हैं इसे, इरिटेटिंग होता है फ्रेंड्स और सूजन आ जाती है, उसमें क्या होता है उसको एक्जिमा कहते हैं फ्रेंड्स, स्किन डिजीजेज है। आपको ध्यान रखना है एक प्रकार की क्या है, स्किन डिजीज। और आप यहां पर पिक्चर्स में देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक्जिमा इस तरह हो जाता है, देख सकते हैं यहां पर स्क्रीन पर आप, ये देखिए एक्जिमा की जो पिक्चर्स हम दिखा रहे हैं आपको, इस तरह ये फ्रेंड्स एक्जिमा हो जाता है, ये स्किन डिजीज है एक तरह का, किस तरह फ्लेम्ड हो जाता है, सूजन आ जाती है और इरिटेटिंग खुजली महसूस होती है फ्रेंड्स, ये एक्जिमा के लक्षण है फ्रेंड्स। देख सकते हैं ये स्क्रीन पर किस तरह, ये रिस्ट पे दिखाया गया है, कलाई पर, ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये एक्जिमा के लक्षण है फ्रेंड्स, सिम्टम्स है फ्रेंड्स। और ये देखिए फेस पे किस तरह एक्जिमा हुआ है फ्रेंड्स, यहां पर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर आप, ये एक्जिमा के लक्षण है फ्रेंड्स। और यहां पर भी देखें आप, ये देखिए स्किन पर किस तरह, ये बॉडी के कहीं भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो एक्जिमा हो जाता है फ्रेंड्स, ये बॉडी के कहीं पर भी हो सकता है, कहीं भी किसी भी पार्ट में हो सकता है एक्जिमा, ये स्किन डिजीज है, ध्यान रखना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप फ्रेंड्स अपनी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 8, VDRL टेस्ट से किस बीमारी की डायग्नोसिस की जाती है, किसकी की जाती है, जल्दी से कमेंट करें आंसर अपना। ऑप्शन इसका ए, सिफिलिस की जाती है फ्रेंड, VDRL टेस्ट से सिफिलिस की बीमारी की जाती, बीमारी की जांच की जाती है फ्रेंड, ये एक प्रकार का स्क्रीन टेस्ट होता है। आप याद रखते हैं यहाँ पर इसका जो VDRL है इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, वेनेरियल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, वेनेरियल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। और ये फ्रेंड सिफिलिस की बीमारी की डायग्नोसिस की जाती है फ्रेंड, द टेस्ट इज अ स्क्रीन टेस्ट फॉर द सिफिलिस, एक प्रकार का स्क्रीन टेस्ट है जो सिफिलिस में किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपनी स्क्रीन पर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके लिए रिवीजन टेस्ट है, निम्न से अल्ला अस्थि या बोन कहां पाई जाती है, जल्दी से कमेंट करें आंसर अपना। आंसर क्या होगा इसका फ्रेंड्स, ऑप्शन है इसका बी, हाथ में पाई जाती है, रेडियस और अल्ला जो डिसीजेज होती है फ्रेंड, सॉरी जो बोन होती है हड्डियां होती है फ्रेंड, हाथ में पाई जाती है, हैंड में पाई जाती है, रेडियस भी अल्ला भी ये कहां पाई जाती है, हाथ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से अनुवांशिक या जेनेटिक बीमारी कौन सी है फ्रेंड्स, कौन सी है, जल्दी से कमेंट करें आंसर, काफी कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन इसका बी, हीमोफीलिया। ऑप्शन क्या होगा इसका, ये फ्रेंड अनुवांशिक, अनुवांशिक बीमारी वो बीमारियां होती है जो फ्रेंड्स पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है,
उसको अनुवांशिक या जेनेटिक डिसीज कहते हैं फ्रेंड, ऑप्शन होगा बी। और हीमोफीलिया फ्रेंड्स एक प्रकार का रक्त विकार भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है फ्रेंड, सीएचओ एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन से, हीमोफीलिया को किस नाम से भी जाना जाता है, ये रक्त विकार के नाम से जाना जाता है। जो फ्रेंड्स हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसीज है, जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया होता है फ्रेंड उसके ब्लड में ब्लड का क्लोटिंग नहीं होता फ्रेंड, जल्दी से उसका ब्लड क्लोटिंग नहीं करता फ्रेंड, जमता नहीं है और उसका रक्त प्रवाह हमेशा होता रहता है फ्रेंड। ये इस प्रकार का एक प्रकार क्या है फ्रेंड, रक्त विकार है या दोष है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 11 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई थी, क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन इसका ए 2018 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 12, कमेंट करिए आंसर अपने जल्दी से, सबसे कॉमन टाइप का है स्किन कैंसर कौन सा है, ऑप्शन इसका ए बेसल सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन है क्या है फ्रेंड्स, ये कहां होती है, ऑप्शन है इसका बी यकृत में फ्रेंड, लीवर में या जिगर में, हिंदी में क्या कहते हैं, जिगर कहते हैं, लीवर कहते हैं, यकृत कहते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं थोड़ा डिटेल्स भी, हेपेटाइटिस रिफर टू एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द लीवर, कहां की होती है, लीवर की, लीवर को फ्रेंड्स हिंदी में यकृत कहते हैं और जिगर भी कहते हैं। इट्स कॉमनली कॉज्ड बाय अ वायरल इन्फेक्शन, ये एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है, कैसा है, वायरल इन्फेक्शन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चंस की, हेपेटाइटिस में फ्रेंड्स जो काजिस होता है वो किसके कारण होता है फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का बैक्टीरियल है, वायरल है, ऐसा पूछा जाता है, तो ये फ्रेंड्स वायरस से होने वाली बीमारी है, किससे, वायरस से फ्रेंड्स। क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ ले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा फैक्ट देख लें, यकृत शोथ इसी कहते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस है, एचपीवी के कारण होने वाली एक संक्रामक बीमारी है जो मनुष्य के साथ बंदरों की प्रजाति के लीवर को भी संक्रमित करती है। ये फ्रेंड्स मनुष्यों को तो होती है, इसके अलावा फ्रेंड जो मंकी होते हैं, बंदर होते हैं, उनको भी प्रभावित करती है फ्रेंड, जिसके कारण लीवर में सूजन आ जाती है। हेपेटाइटिस बी के कारण जो फ्रेंड हेपेटाइटिस डिसीज हो जाती है, इसमें क्या होता है फ्रेंड, लीवर में सूजन आ जाती है, जिसको कहते हैं इन्फ्लामेटरी, एंड जलन पैदा होती है, और इसी को फ्रेंड हेपेटाइटिस कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस कहते हैं। वो भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से कमेंट करें आंसर, शरीर में लाइस की उपस्थिति को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, लाइस मींस होता है जुआ जो होते हैं फ्रेंड्स, जो जुए हो जाते फ्रेंड, लाउस लाइस होता है फ्रेंड्स प्लुरल नाउन, और इसका जो सिंगुलर पर्सन होता है सिंगुलर नाउन होता है लाउस कहते हैं, लाउस मींस होता है एक जुआ, लाइस मींस होता है बहुत सारे जुआ। और यहां पर देखिए शरीर में लाइस की उपस्थिति को क्या कहते हैं, ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन इसका ए पीडिकुलोसिस कहते हैं, जब शरीर में फ्रेंड्स जुओं की बहुत ज्यादा उपस्थिति होती है, जुएं उपस्थित होती है बॉडी में, हेड में, कहीं पर भी, तो उसको क्या कहते हैं, पीडिकुलोसिस कहते हैं, ऑप्शन है ए। आप यहां पर थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं, पीडिकुलोसिस इज एन इन्फेस्टेशन ऑफ द हेयर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर द क्लोथिंग विद द एग्स लार्वा आर द एडल्ट ऑफ द लाइस, द क्रॉलिंग स्टेज ऑफ दिस इंसेक्ट फीड ऑन ह्यूमन ब्लड विच कैन रिजल्ट इन द सिवर इचिंग, कह रहा है क्वेश्चन पे, इसमें समझाया गया है आपको कि अगर आपके सर पर या बॉडी के कहीं भी फ्रेंड्स जुए हो जाते हैं तो आपको क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में खुजली महसूस होती है, और ये बॉडी जो फ्रेंड्स हेड में जो जुए हो जाते हैं कहीं पर भी बॉडी पार्ट्स में, तो ये क्या करते हैं फ्रेंड, ब्लड को सकिंग करते हैं या ब्लड बहुत चूसते हैं अपने, या आपकी बॉडी का ब्लड चूसती है, इसलिए नियमित रूप से नहाना चाहिए फ्रेंड्स और बहुत अच्छे सफाई से रहना चाहिए, इससे ये रोकथाम है इसके लिए फ्रेंड्स, जो इसका रोकथाम कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 15, हेड लाइस को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, जो सर में जुए हो जाते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, क्या होगा ऑप्शन इसका, ऑप्शन इसका ए पीडियोक्लोसिस ह्यूमनस कैपिटस, ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हेपेटाइटिस ए को किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से कमेंट करिए आंसर, ऑप्शन होगा इसका बी इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस, ऑप्शन है बी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इग्नोर ना करें कोई क्वेश्चन, और आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर दें, इससे क्या होगा आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा और आने वाली परीक्षाएं ऑनलाइन होगी, इसलिए जरूर आप विदाउट हेजिटेशन अपना कमेंट जरूर किया करें फ्रेंड्स। डॉट्स में टीबी की जांच किस पर आधारित होती है, किस पर होती है फ्रेंड्स, एक्सरे फंडिंग पर, स्पुटम एग्जामिनेशन, ऑप्शन होगा सी इसका, इसलिए बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों होंगे फ्रेंड्स, एक्सरे फाइंडिंग किया जाता है, स्पुटम एग्जामिनेशन किया जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18, बर्न की गंभीरता किस पर निर्भर करती है, जल्दी से करें आप आंसर कमेंट करें फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका डी ऑल ऑफ दीज, बर्न की साइज पर, बर्न की लोकेशन पर, बर्न की डेप्थ पर, बर्न का साइज कितना बड़ा है बॉडी में, कितना आप कितनी ज्यादा दूर तक जले हैं, और लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर आपको जलन महसूस हुई, कहाँ पर आप बर्न हुए, कहाँ पर आप जल गए, कितनी गहराई तक वो फ्रेंड्स जलन महसूस हो रही है, कितनी गहराई तक वो जला है फ्रेंड्स,
ये इस चीज पर निर्भर करती है फ्रेंड्स, जो बर्न जो बर्निंग की सीरियस हो, आप कितना गंभीर जले हुए फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन है 19 नंबर, बर्न के बाद सामान्यतः कौन सी समस्या आती है, जल्दी से कमेंट करें आंसर। ऑप्शन इसका डी, ऑल ऑफ दीज, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, पेन एंड सेप्सिस, अल्टर्ड वेंटिलेशन। फ्रेंड्स ये सभी समस्याएं होती हैं, पेन भी होता है, सेप्सिस भी हो जाता है फ्रेंड्स, और जब फ्रेंड्स वेंटिलेशन को चेंज किया है तभी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बर्न पेशेंट के लिए फ्रेंड्स काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती है फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं अगर आपने देखा होगा किस तरह की प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं, प्रेगनेंसी में कौन सी मेडिसिन नहीं दी जाती फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट करें आंसर। ऑप्शन इसका ए, कैप्टोरिल नहीं दी जाती प्रेगनेंसी के दौरान, जो फ्रेंड्स प्रेग्नेंट होती है वो वुमेन्स, उनको कैप्टोरिल मेडिसिन नहीं दी जाती। यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में दे सकते हैं आप, कौन कौन सी दवाएं जो वुमेन्स प्रेग्नेंट हों उनको ये दवाएं नहीं लेनी चाहिए, जो फ्रेंड्स पेन किलर आती है, दवाएं आती हैं, मेडिसिन होती हैं, और एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है, एंटी फंगल मेडिसिन होती है, एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं, एंटी मोशन सिकनेस डिजीज होती है, सॉरी मेडिसिन होती हैं, नहीं लेना चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उनको गर्भावस्था के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान उनको ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, दर्द की दवाई या एलर्जी की दवाएं या एंटी फंगल डिजीजेज, एंटीबायोटिक, किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई उनको बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं खाना चाहिए फ्रेंड, उनको बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन नहीं खानी चाहिए फ्रेंड्स। ये जो भी मेडिसिन यहाँ पर दी गई, कोई भी दर्द की दवा या एंटी एलर्जी, एंटी फंगल या एंटीबायोटिक, जब भी कोई दवा लें उसमें फ्रेंड्स आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 21 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, नॉर्मल प्रेगनेंसी में योनी या वेजाइना के लक्षण क्या है फ्रेंड्स, क्या हो जाते हैं लक्षण। ऑप्शन इसका ए, लैक्टोबैसिलस की संख्या बढ़ जाती है, एक प्रकार का फ्रेंड्स क्या होता है बैक्टीरिया होता है, उसकी जो संख्या होती है नंबर होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 22, जल्दी से कमेंट करें आंसर। इपिसियोटॉमी प्रसव की किस स्टेज में की जाती है फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन इसका बी, स्टेज सेकेंड में की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स भी इप्सियोटॉमी के बारे में फ्रेंड्स, इप्सियोटॉमी मींस होता है सर्जिकल इंजिशन, इंसिजन ऑफ द प्रेनियम टू इनलार्ज द वेजाइना एंड सो फैसिलिटेट डिलीवरी ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। ये फ्रेंड्स एक प्रकार का इंसिजन किया जाता है, जिससे क्या होता है वेजाइनों में फ्रेंड्स थोड़ा सा कट किया जाता है, ताकि डिलीवरी आसानी से या सही तरीके से की कराई जा सके फ्रेंड्स। ये इप्सियोटॉमी जो की जाती है फ्रेंड वो सेकेंड स्टेज में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से कमेंट करें आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, प्रेगनेंसी गर्भावस्था के सेकेंड हाफ में प्रोटीन की लगभग कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, कितनी होती है। ऑप्शन इसका ए, 60 ग्राम प्रतिदिन, 60 ग्राम लगभग प्रतिदिन एक प्रेग्नेंट वुमेन को फ्रेंड्स सेकेंड हाफ में देने चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी से कमेंट करें आंसर, क्या होगा आंसर इसका, सीरम हेपेटाइटिस का दूसरा नाम क्या है, हमने सभी क्वेश्चन आपको करवाए हैं, डिटेल से बताया फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन इसका बी, हेपेटाइटिस बी कहते हैं, सीरम हेपेटाइटिस को हेपेटाइटिस बी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से डिप्थीरिया एक है फ्रेंड्स, कैसी बीमारी है, ऑप्शन होगा इसका बी, बैक्टीरियल डिसीजेज है फ्रेंड्स, जो डिप्थीरिया हो जाता है फ्रेंड्स एक प्रकार की बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाली बीमारी है, जितनी भी बैक्टीरिया या जीवाणु से बीमारी होती है फ्रेंड्स हमने उसको एक ट्रिक में कवर किया था, अगर आपने फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स सभी क्वेश्चंस, हमने काफी डिटेल से वहां पर समझाया है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी से कमेंट करें आंसर, क्वेश्चन नंबर 26 आप पढ़ सकते हैं, निम्न से डिप्थीरिया को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है फ्रेंड, डिप्थीरिया को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, जल्दी से कमेंट करें आंसर। ऑप्शन होगा इसका डी फ्रेंड्स, डीपीटी वैक्सीन के द्वारा मरीज को अलग कर शरीर से निकलने वाले पदार्थ का विसंक्रमण करके फ्रेंड्स, जो शरीर से निकलने वाला फ्रेंड्स जो फ्लूड होता है उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, विसंक्रमण करके और डीपीटी वैक्सीन यूज करके इन सभी के द्वारा क्या किया जाता है डिप्थीरिया को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 27, डिप्थीरिया का कास्टिव एजेंट क्या होता है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन इसका ए, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये फ्रेंड्स बैक्टीरिया का नाम है फ्रेंड्स, ये बैक्टीरिया का नाम है आप पढ़ लें यहां पर इस तारीख में, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 28, कमेंट करें आंसर अपना जल्दी से, किस इलाज में नैनोमेडिसिन का उपयोग किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हायर एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका बी,
कैंसर के इलाज में फ्रेंड नैनो मेडिसिन का यूज किया जाता है। नैनो मेडिसिन एक प्रकार की मेडिसिन होती है जिसमें फ्रेंड्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के माध्यम से फ्रेंड्स क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। इसे फ्रेंड्स हम नैनो मेडिसिन के बारे में कभी टाइम मिलता है तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल से कवर करेंगे क्या होता है, किस किस बीमारी का इलाज किया जा सकता है नैनो मेडिसिन के तहत। ये नई टेक्नोलॉजी है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 29, जल्दी से कमेंट करें आंसर। डॉट्स में स्ट्रेप्टोमाइसिन कैसे लगाया जाता है, क्या होगा आंसर इसका? जो फ्रेंड डॉट्स में लगाया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो किसके माध्यम से दिया जाता है? ऑप्शन है इसका ए, आईएम रूट के द्वारा लगाया जाता है। आईएम रूट के माध्यम से फ्रेंड डॉट्स थेरेपी यूज की जाती है फ्रेंड, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो लगाया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन है ए। आप देख सकते हैं यहां पर जो आईएम होता है, इंट्रामस्कुलर उसका पूरा नाम होता है, और इंजेक्शन इज अ टेक्निक यूज टू डिलीवर अ मेडिकेशन डीप इनटू द मसल्स। ये मसल्स में फ्रेंड डीपली लगाया जाता है, इसको ध्यान रखना है, जहां पर आईएम का यूज होता है फ्रेंड, इंट्रामस्कुलर, मस्कुलर के अंदर लगाया जाता है, डीप इनटू द मसल्स। यहां पर आप समझ सकते हैं आईएम का मतलब ये होता है इंट्रामस्कुलर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, जल्दी से कमेंट करिए आंसर अपना। एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी का संसार से उन्मूलन हो चुका है? उन्मूलन का मतलब होता है खत्म कर दिया गया या इराडिकेट कर दिया गया है, उसे कंप्लीटली यहां से इराडिकेट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, वो कौन सी बीमारी है? ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन है सी, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को फ्रेंड्स क्या है यहां पर लिखा है, आप देख सकते हैं संसार लिखा है, संसार मतलब वर्ल्ड से बात कर रहा है। नहीं भी पोलियो को भी भारत से खत्म किया जा चुका है, 2014 में पोलियो को भारत से खत्म किया जा चुका है, और जो यहाँ पर हमारे बात हो रही है फ्रेंड्स वो है वर्ल्ड की, पूरे संसार की बात हो रही है, इसलिए स्मॉल पॉक्स को पूरी दुनिया से खत्म किया जा चुका है। यहाँ पर आप डिटेल्स में पढ़ ले, क्लियर हो जाएगा आपका। स्मॉल पॉक्स फ्रेंड, इसको हिंदी में छोटी माता कहते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज डिक्लेयर्ड ओनली टू डिसीजेज ऑब्वियसली इरेडिकेटेड। WHO ने जो बताया है कि दो डिसीजेज केवल दुनिया से पूरी तरह खत्म की जा चुकी हैं, उसमें कौन कौन सी हैं? उसमें स्मॉल पॉक्स जो वैरिसेला वायरस के कारण होती थी, VARV, आपको ध्यान रखना है, जो स्मॉल पॉक्स होता था उसके लिए जो जिम्मेदार वायरस था उसका नाम था वेरिओला वायरस, VARV, एंड रिंडर पेस्ट कास्ट। दूसरा होता था फ्रेंड रिंडर पेस्ट, एक बीमारी ये है रिंडर पेस्ट और स्मॉल पॉक्स, ये होती है वेरिओला वायरस की वजह से, और जो रिंडर पेस्ट होती है रिंडर पेस्ट वायरस की वजह से दुनिया से मात्र ये दो डिसीजेज को खत्म किया जा चुका है अभी तक, दुनिया से जो संसार से वर्ल्ड से अभी तक मात्र दो डिसीजेज को खत्म किया जा चुका है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लिखा है द लास्ट नोन नेचुरल केसेज वाज इन द सोमालिया इन 1977। जो लास्ट केसेस स्मॉल पॉक्स का मिला था वो 1977 में मिला था सोमालिया, ये दक्षिण अफ्रीका का देश है फ्रेंड्स, वहां पर मिला था। फिर इसके बाद हमने बताया था जब भी कोई भी देश किसी भी बीमारी को वहां से फ्री फ्रॉम इरेडिकेट कंप्लीटली डेड कंट्री, वहां से अगर कंप्लीटली उस देश से मुक्त घोषित करेगा तो वहां फ्रेंड्स 3 साल तक जब कोई भी एक्टिव केस नहीं मिलते तो WHO क्या करता है उस बीमारी को उस कंट्री से इराडिकेट या कंप्लीटली उन्मूलन बता देता है कि वहां से वो बीमारी खत्म की जा चुकी है फ्रेंड्स, जब 3 साल तक कोई केस वहां पर नहीं मिलता है फ्रेंड्स। और फिर देख सकते हैं यहां पर जो लास्ट नोन द नेचुरल केसेस इन द सोमालिया, ये साउथ अफ्रीका कंट्री है, 1977 में सोमालिया देश में केस मिला था लास्ट केस। फिर इसके बाद 1980 में WHO ने डिक्लेयर कर दिया था कि स्मॉल पॉक्स को दुनिया से खत्म कर दिया गया है पूरी तरह से, फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स इराडिकेटेड इन द वर्ल्ड फ्रेंड, दुनिया से 1980 में। क्वेश्चन बनता है यहां से कि पूरी संसार से या पूरे दुनिया से स्मॉल पॉक्स को कब खत्म किया गया था? 1980 में खत्म किया गया था, 1980 में खत्म किया गया था, और जो इंडिया से खत्म किया गया था वो 1977 में खत्म किया गया था फ्रेंड्स। दोनों क्वेश्चंस में फ्रेंड्स जो हमने किए फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर डिफरेंस करके आप क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। दुनिया से खत्म किया गया था 1980 में, भारत से खत्म किया गया था 1977 में, 1977 में, इसे हम आगे कवर करेंगे अच्छे से फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 31, मलेरिया सबसे ज्यादा किस सीजन में फैलता है फ्रेंड्स? किस सीजन में फैलता है? ऑप्शन इसका सी, रेनी सीजन में, वर्षा वाले दिन जब फ्रेंड्स बारिश ज्यादा होती है पानी भर जाता है तो मलेरिया क्या होता है फ्रेंड्स, मलेरिया वाले जो मच्छर होते हैं फ्रेंड्स वो बहुत ज्यादा मात्रा में फैल जाते हैं, और फ्रेंड्स जब बारिश का पानी क्योंकि बहुत ज्यादा भरा रहता है हर जगह तो इससे फ्रेंड्स क्या होता है उसके लार्वा ज्यादा बन जाते हैं और मलेरिया मच्छर पैदा होते हैं फ्रेंड्स, और इसी सीजन में बहुत ज्यादा वो फैलता है फ्रेंड्स। आप यहां पर देख सकते हैं इन रेनी सीजन में सबसे ज्यादा मात्रा में मलेरिया जो मच्छर होते हैं फ्रेंड्स बहुत ज्यादा फैलते हैं, और जो पेशेंट की संख्या होती है इसी सीजन में ज्यादा बढ़ती है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है
32। येलो फीवर किसके कारण होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन है इसका ए फ्लेवी वायरस फैब्रिकस। कुछ बच्चे कहते हैं यहां पर आंसर आपने गलत बताया फ्रेंड्स, ये क्या है, यहां पर हमने वायरस का नाम लिखा है ना कि मच्छर का नाम, ध्यान रखिए आप कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीटली सही है। येलो फीवर जो होता है वो एडीज एजेप्टी मच्छर के काटने से होता है, ध्यान रखें। क्वेश्चन पे बहुत फोकस करें, नॉन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज में कोई आंसर ना मार करें आप। यहाँ पर पूछा है हमने जो येलो फीवर का कारण है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ध्यान रखा करें आप, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर पूछा जाता है हमारे यहाँ क्वेश्चन से कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको बताना है, जो ऑप्शन दिए गए यहाँ पर एडीज मच्छर का नाम ही नहीं दिया गया है तो इसलिए आपको उसमें ध्यान नहीं देना है फ्रेंड्स। लेकिन ये एडीज मच्छर के काटने से होता है, लेकिन जो वायरस होता है वो कौन सा होता है? वो होता है फ्लेवी वायरस फैब्रिकस। उम्मीद है समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं आप येलो फीवर इज अ कॉज बाय अ वायरस, ये वायरस के द्वारा होती है, दैट इज स्प्रेड बाय द एडीज एजेप्टी मॉस्किटो, ये एडीज एजेप्टी मॉस्किटो के द्वारा होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन द क्वेश्चन नंबर 33, रेबीज किसके कारण से होता है फ्रेंड्स? क्या होता है? ऑप्शन इसका डी कुत्ते के काटने से होता है फ्रेंड्स, कुत्ते भेड़िया बिल्ली के काटने से भी फ्रेंड्स रेबीज डिसीजेज हो जाती है, ध्यान रखें कुत्ता बिल्ली भेड़िया बंदर इन सभी के काटने से क्या होता है? रेबीज डिसीजेज हो जाती है। रेबीज डिसीजेज का फ्रेंड्स हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं, हाइड्रो मतलब होता है जल या वाटर, फोबिया मीन्स होता है डरना, कई ऐसे वर्ड हैं क्लेस्ट्रोफोबिया एरोफोबिया इस तरह होता है हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है किससे डरना? वाटर से डरना फ्रेंड्स, इसलिए ध्यान रखें ये पानी से इससे बहुत जिन बंजों को फ्रेंड्स रेबीज फ्रेंड्स हो जाता है या कुत्ते बिल्ली या भेड़िया बंदर काट लेते हैं तो उनको फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स जल से बहुत डर लगता है। ये फ्रेंड्स तुरंत तो समझ में नहीं आता लेकिन आफ्टर सम टाइम्स इसके फ्रेंड्स जो सिम्टम्स होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है 34, आप देख सकते हैं यहाँ पर जल्दी से कमेंट करें आंसर अपना। भारत को स्मॉल पॉक्स से कब घोषित किया गया था? मुक्त घोषित किया गया था। यहाँ पर पूछा जा रहा है WHO ने फ्रेंड्स भारत को इंडिया को कब स्मॉल पॉक्स से फ्री फ्रॉम या मुक्त घोषित किया था, भारत से कब भारत को कब घोषित किया था? ऑप्शन होगा इसका बी अप्रैल 1970 को, 1977 को, साल 1970 को भारत को चेचक से मुक्त घोषित किया गया था फ्रेंड्स, और दुनिया से 1980 में, ध्यान रखना है लास्ट केसेस कहां मिला था? दक्षिण अफ्रीका के कंट्री है सोमालिया। क्वेश्चन नंबर है 35, जल्दी से कमेंट करें आंसर, आशा कितनी जनसंख्या को कवर करती है? ऑप्शन क्या है इसका? ए है 1000 जनसंख्या को कवर करती है, जो आशा बहुएं होती फ्रेंड्स आशा उनको फ्रेंड्स 1000 जनसंख्या को कवर करती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आशा का पूरा नाम क्या है, एग्रीग्रेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, और आशा 1000 पॉपुलेशन को कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है 36, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन क्या होगा इसका फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट करें, ऑप्शन इसका बी 1946 में हुई थी, 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। यूनिसेफ का जो मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों एवं माँ के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना होता है, ये यूनिसेफ का फ्रेंड्स एम होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या होता है सुनिए आप थोड़ा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, अब इसे चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखें इसे यूएन इमरजेंसी फंड के नाम से भी जाना जाता है या यूएन चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, इसका जो पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन आई से इंटरनेशनल चिल्ड्रेन ई से इमरजेंसी एफ से फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 37, कमेंट करें आंसर अगर आपको अपना आंसर आता हो, माला एन और माला डी को एमसी के किस दिन से या मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस दिन से निश्चित रूप से प्रारंभ कर देना चाहिए, ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन इसका ए पांचवें दिन से, एमसी के पांचवें दिन से क्या है इसे फ्रेंड्स डेफिनेटली प्रारंभ कर देना चाहिए, यहां देख सकते हैं आप एमसी के पांचवें दिन से इसे प्रारंभ कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 38, समुदाय विकास कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? जल्दी से कमेंट करें आंसर, ऑप्शन इसका ए 2 अक्टूबर 1952 को फ्रेंड्स कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स, आप यहां पर भी देख सकते हैं इंग्लिश में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 2 अक्टूबर 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 39, मात्र मृत्यु दर MMR की अभिव्यक्ति कैसे की जाती है? काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ऑप्शन इसका बी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर, प्रतिवर्ष 1 लाख जनसंख्या पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देखी जाती है फ्रेंड्स, मात्र मृत्यु दर प्रतिवर्ष 1 लाख की जनसंख्या पर फ्रेंड्स काउंट की जाती है। क्वेश्चन को फ्रेंड रट ले काफी इंपॉर्टेंट है, 1 लाख कभी ऐसे भी मिल जाएगा आपको लिखने को, एक के बाद 5 जीरो होंगे उसको 1 लाख पढ़ते हैं, जीवित
जन्म पर होने वाली मात्र मृत्यु संख्या को मात्र मृत्यु दर कहते हैं फ्रेंड्स। जीवित जन्म होने पर फ्रेंड्स, जो भी जीवित जन्म होते हैं बेबी के, उसमें फ्रेंड्स जो भी माताओं की मृत्यु हो जाती है फ्रेंड्स, उसे कहते हैं मात्र मृत्यु दर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मात्र मृत्यु दर। ये 1 लाख प्रति बच्चों पर या बेबी पर फ्रेंड्स देखा जाता है। ऑप्शन है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है 40। शिशु मृत्यु दर IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कैसे अभिव्यक्त किया जाता है? जल्दी से कमेंट करें आंसर। ऑप्शन इसका ए, 1000 प्रति 1000। ये प्रतिवर्ष देखा जाता है और प्रति 1000 में देखा जाता है। आप यहां से क्वेश्चन को समझ रहे हैं, शिशु मृत्यु दर के बारे में बात कर रहा है। डिटेल्स में देखें थोड़ा, 1000 जीवित जन्म होने पर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। IMR के नाम से भी इसे इंडिकेट किया जाता है और कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ज्यादातर क्वेश्चन आता है शिशु मृत्यु दर को कितनी जनसंख्या पर या कितने लोगों पर अभ्यक्त किया जाता है, कितने बच्चों पर? प्रति 1000 पर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है 41। जन्म दर बर्थ रेट को कैसे अभिव्यक्त किया जाता है? जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन इसका ए, प्रति 1000। ये भी पॉपुलेशन पर लिया जाता है, 1000 जनसंख्या पर। फ्रेंड्स पढ़ लें थोड़ा डिटेल्स भी इसके बारे में। किसी देश या किसी क्षेत्र में, किसी कंट्री या किसी एरिया में फ्रेंड्स प्रति 1000 व्यक्तियों में जो प्रतिवर्ष जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की जो संख्या होती है बर्थ रेट कहते हैं। जो फ्रेंड्स 1000 की जहां पॉपुलेशन होगी वहां पर फ्रेंड्स जो भी जीवित बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, बचते हैं 1000 पॉपुलेशन पर, उसे कहते हैं बर्थ रेट। उसे क्या कहते हैं? जन्मदर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर हमारा 42। मृत्यु दर डेथ रेट कितनी जनसंख्या पर अभिव्यक्त करते हैं फ्रेंड? कंफ्यूजन ना हो किसी प्रकार का, इसलिए सारे क्वेश्चन सीरियल से लिए हैं हमने। ऑप्शन क्या होगा इसके फ्रेंड? जल्दी से कमेंट करें आंसर अपना। ऑप्शन है इसका बी, प्रति 1000 पर। फ्रेंड्स 1000 व्यक्तियों पर प्रतिवर्ष मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है 43। जल्दी से कमेंट करें आंसर। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन इसका ए, 1 जुलाई को मनाया जाता है। आप यहां देख सकते हैं थोड़ा डिटेल्स में, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी का पूरा नाम जो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बहुत से लोग कमेंट में गलत लिख देते हैं लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपको यहां से अच्छे से क्लियर कर लेना। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर, हिंदी में यह लिखा है, इंग्लिश में लिखा है इनडायरेक्ट टैक्स। कभी आपको ऑप्शन मिले जो भी, तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप ध्यान दें, इसलिए पूरा डिटेल से जरूर पढ़ा करें। योजना आयोग का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? कई बार एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन है इसका ए, नीति आयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है 45। जल्दी से कमेंट करें, नीति आयोग या नीति कमीशन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन है ए, 2015 में की गई थी। नीति कमीशन की जो स्थापना की गई थी नीति आयोग की, 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 46। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, हाल ही में बहुत चर्चा में था अभी। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ऑप्शन होगा इसका बी, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है फ्रेंड्स। MHRD का जो फ्रेंड्स नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का जो नाम बदल के रख दिया गया, उसका एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया, शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 47। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न से श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवॉल्यूशन, यहाँ पर लिख लेना क्रांति फ्रेंड्स, श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे? ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन इसका सी, दूध उत्पादन से फ्रेंड्स। दूध उत्पादन लिख देते हैं कभी कभी हिंदी में, दूध उत्पादन से इसका संबंध है। व्हाइट रिवॉल्यूशन कभी कभी लिख देते हैं सफेद क्रांति से, क्या समझते हैं आप या किससे रिलेटेड है? तो ये फ्रेंड दूध मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ध्यान रखना है। और जो फ्रेंड श्वेत क्रांति के जो फादर हैं या जनक हैं, जनक मतलब होता है पिता, या श्वेत क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, या फादर ऑफ दी व्हाइट रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें आप, क्वेश्चन नंबर है हमारा 48। क्वेश्चन नंबर 48, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी फ्रेंड्स? ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन है ए, 1951 में की गई थी, 1951 में। 5 साल के लिए होती पंचवर्षीय योजना, जब शुरू किया गया था 1951 में, लेकिन चली थी 1956 तक, क्योंकि 5 साल इसमें जब ऐड करेंगे तो 1956 हो जाएगा फ्रेंड, 1956। यह योजना कृषि पर आधारित थी, कृषि पर बल दिया गया था, खाद्यान्न उत्पादन पर, कि कृषि का जो ग्रेनरी का जो प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा बढ़ाया जाए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49, भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? जल्दी से कमेंट करें आंसर। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है, वहां पर पहली थी, यहां पर 12वीं है। ऑप्शन इसका सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में शुरू की गई थी फ्रेंड्स। ऑप्शन सी, और ये 2017 में समाप्त हो गई थी, क्योंकि 12 + 17 होता है 12 + 5,
12 प्लस 5 इक्वल टू 17, इसलिए ये 2017 में समाप्त कर दी गई और फिर इसके बाद ये पूरी तरह समाप्त कर दी गई क्योंकि इसकी जगह पर फ्रेंड्स नीति आयोग आ गया, क्योंकि जो इसका जो फ्रेंड चालू करता था, इसको जो बनाता था फ्रेंड्स, वो योजना आयोग इसको बनाता था फ्रेंड्स, जो कि उसको खत्म कर दिया गया, उसके जगह पर वो आ गया नीति आयोग, इसलिए ये 2012 से 2017 पांच वर्ष चली, इसके बाद पूरी तरह से खत्म कर दिया गया क्वेश्चन ये फ्रेंड्स, ये पंचवर्षीय योजना अब खत्म कर दी गई है। लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन इसका बी 14 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जून को। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 5 जून को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है फ्रेंड्स। यहां पर देख सकते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे, रक्त, ये लिखा है रक्त समूह ब्लड ग्रुप के जो खोज करता है वो है कार्ल लैंडेसिनर के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। जो फ्रेंड्स ये जो ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है, ये फ्रेंड कार्ल लैंडेसिनर, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ब्लड ग्रुप चार प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। ओ डोनर होता है, ए बी रिसीवर होता है फ्रेंड्स, आपको ये पता होगा ये चार प्रकार के होते हैं। जो इनकी जो खोज की थी किसने की थी? कार्ल लैंडेसिनर ने की थी। और इनके जन्मदिवस के अवसर पर क्या मनाया जाता है? ये वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे, विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 51, कमेंट करें आंसर अपना जल्दी से। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन है ए 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है? ये फ्रेंड्स लोगों में अवेयरनेस फैलाने की वजह से मनाया जाता है फ्रेंड्स, लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, रेज अवेयरनेस ऑफ द कैंसर टू इंक्रीज इट्स द प्रिवेंशन डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, और लोगों का फ्रेंड्स इलाज किया जा सके, उनकी जांच की जा सके फ्रेंड्स, और उनको इंकरेज किया जाए, उत्साहित किया जा सके, और उनके और उनको जागरूकता फैलाई जाए फ्रेंड्स कि किसे कैंसर होता है, क्या खाना चाहिए, कैसे बचना चाहिए फ्रेंड्स, और इलाज कैसे किया जाता है फ्रेंड्स, इसके बारे में भी बताया जाता है फ्रेंड्स, जागरूकता फैलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन इसका ए 1965 को, 1965 में फ्रेंड यूएनडीपी की स्थापना की गई थी। यूएनडीपी का पूरा नाम क्या होता है फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा आपको, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है यूएनडीपी का पूरा नाम क्या होता है। यूएनडीपी का जो पूरा नाम होता है फ्रेंड्स होता है, आप देख ले, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी जो स्थापना हुई थी 1965 में, 1965 में हुई थी ये फाउंडेशन, 22 नवंबर 1965 में फ्रेंड्स यूएनडीपी की स्थापना हुई थी फ्रेंड, फाउंडेड किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये न्यूयॉर्क सिटी में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी कहाँ है? यूएसए में है, अमेरिका में फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी में फ्रेंड्स अभी और थोड़ा डिटेल्स देख लें यूएनडीपी के बारे में। इसमें फ्रेंड्स जो मेंबर्स कंट्री हैं वो 170 है, 170 है जो मेंबर्स कंट्री हैं फ्रेंड्स। हेल्पिंग, इसका उद्देश्य क्या है? हेल्पिंग टू अचीव द इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी, गरीबी को खत्म करना पूरी तरह जड़ से, एंड द डिटेक्शन ऑफ द इनइक्वालिटी एंड द एक्सक्लूजन, वी हैव द कंट्री टू डेवलपमेंट पॉलिसी एंड लीडरशिप स्किल, पार्टनरिंग एबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी एंड बिल्ड द रिजिलेंस इन ऑर्डर टू द सस्टेन डेवलपमेंट रिजल्ट। इसका मतलब है कि फ्रेंड्स दुनिया से गरीबी को पूरी तरह से खत्म कर देना, जो लोगों में या जात धर्म के से रिलेटेड जो भी असमानताएं हैं, या किसी भी लिंग या सेक्स से रिलेटेड, जैसे कि मेल फीमेल से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जो असमानताएं, इनइक्वालिटी फैली हुई समाज में फ्रेंड्स, यूएनडीपी का मुख्य उद्देश्य है कि इसको क्या किया जाए, समानता की दृष्टि से देखा जाए, समान किया जाए फ्रेंड्स, इसको फ्रेंड इनइक्वालिटी को पूरी तरह से खत्म किया जाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ पाया जाए। इसका मतलब होता है SDG, इसका मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्राप्त किया जाए फ्रेंड्स। इसका मतलब इसका मतलब क्या होता है? SDG का मतलब ये होता है कि पर्यावरण एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें अपने औद्योगिक विकास या अपने समाज का उत्थान करना चाहिए फ्रेंड्स, डेवलपमेंट करना चाहिए, लेकिन एनवायरमेंट को देखते हुए फ्रेंड, हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो, और हमें इन सब चीजों पर काम करना चाहिए। यूएनडीपी का उद्देश्य है इरेडिकेट द पॉवर्टी ऑफ द वर्ल्ड फ्रेंड्स, और असमानता जो समाज में फैली हुई जात धर्म को लेके, इसको क्या किया जाए? समाप्त किया जाए और सब में इक्वालिटी लाई जाए, समानता की दृष्टि से सभी को देखा जाए, स्त्रियों और पुरुषों में किसी प्रकार का कोई भेद ना हो फ्रेंड्स काम के प्रति, क्योंकि लोग क्या होता है वुमेन्स को बहुत कमजोर समझते हैं। अभी भी ऐसे हालात हैं फ्रेंड्स जो डेवलपिंग कंट्री है, जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान है, साउथ अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रियां हैं फ्रेंड्स, बसलते अपने देश से इंडिया में फ्रेंड्स इसके प्रति काफी जागरूकता फैलाई जा रही है, लेकिन फिर भी अभी भी जात धर्म को लेकर बहुत ज्यादा असमानताएं फैली हुई हैं। यूएनडीपी इस पर कार्य करता है ताकि सभी को फ्रेंड्स समानता का अधिकार मिल सके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर है 53
53 आप देख सकते हैं मधुमेह डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है, क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन इसका डी 14 नवंबर को मनाया जाता है। और जो फ्रेंड्स 52 क्वेश्चन अभी हमने बताया जो एनडीपी वन काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं आईएएस की या बीए अदर लेवल्स की, बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, पुलिस में, आर्मी में, सीआरपीएफ में और नर्सिंग में भी पूछा गया क्वेश्चन है। डायबिटीज डे सेलिब्रेटेड किया जाता है 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है डायबिटीज डे, मधुमेह दिवस हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करें आंसर, काफी सिंपल है, डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन होगा इसका सी 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर दिवस, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है, किसकी याद में, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है किसकी याद में मनाया जाता है, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है, पूछा जाता है ये कहां से संबंधित है, ये फ्रेंड पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, वेस्ट बंगाल के। क्वेश्चन नंबर 55, नर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन इसका सी 12 मई को, 12 मई को नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है फ्रेंड, इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 12 मई, 12 मई को मनाया जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन सिंपल हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन इस पे जो फैक्ट दिए हैं आपको समझना होगा, क्वेश्चंस में ये बहुत पूछे जाते हैं, यहाँ पर फैक्ट पढ़ें आप, इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 12 मई एंड फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है, और जो डॉक्टर दिवस मनाया जाता है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है, और इन्हें किस नाम से, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है, इन्हें जाना जाता है किसे, फ्लोरेंस नाइटिंगल को जाना जाता है फ्रेंड्स, और इनका जन्म 12 मई 1820 1820 को हुआ था फ्रेंड्स, 12 मई 1820 को हुआ था जो इनका जन्मदिवस का फ्रेंड 12 मई, इसलिए नर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 56, यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी, ऑप्शन क्या है इसका फ्रेंड्स, सॉरी यूनिसेफ की स्थापना दिवस फ्रेंड, जो यूनिसेफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है वो है ऑप्शन ए 11 दिसंबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स, और इसकी जो स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, 1946 को यूनिसेफ की जो फ्रेंड्स स्थापना दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स, ये लिखा है यूनिसेफ डे सेलिब्रेटेड ऑन 11 दिसंबर बिकॉज इट वाज द फाउंडेड इन 1946 इट्स हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क यूएसए, इसका जो हेडक्वार्टर है कहां फ्रेंड, न्यूयॉर्क यूएसए में है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 57, आप बता सकते हैं अपने आंसर, निम्न से टीबी का उपचार किस थेरेपी के द्वारा किया जाता है, जल्दी से कमेंट करें, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ऑप्शन इसका सी डॉट्रोपी के द्वारा किया जाता है, डॉट्स का पूरा नाम होता है डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, और ये फ्रेंड इसी को टीबी कहते हैं फ्रेंड, और टपेलिक कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं फ्रेंड, हिंदी में कहते हैं, ध्यान रखें कभी कंफ्यूज ना हो, जो टीबी का उपचार किया जाता है या क्षय रोग का, टेमेटिक का, वो डॉट्स थेरेपी से किया जाता है, ये फुल फॉर्म लिखा है, पूरा नाम कंफर्म करें अच्छे से। क्वेश्चन हमें काफी कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है फ्रेंड, ये अभी तक किसी ने क्लियर नहीं किया इसको, और ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58, लेबर रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन पे, चलो आज हम क्लियर करते हैं इसके बारे में। अगर फ्रेंड्स आपको एग्जैक्ट ऑप्शन मिले आपको आंसर बताना होगा 24 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस लेबर रूम का टेम्परेचर होना चाहिए, एवरेज या सामान्य या नॉर्मल टेम्परेचर होता है, आपको यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में ध्यान देना है, हम आज क्लियर कर देंगे फ्रेंड्स, आप थोड़ा धैर्य रखे फ्रेंड्स, स्किप ना करें वीडियो को, क्योंकि बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन है फ्रेंड्स। इसका जो फ्रेंड लेबर रूम का जो टेम्परेचर होता है, अगर फारेनहाइट में बात करें तो ये 72 से 78 फारेनहाइट तक होता है फ्रेंड्स, फारेनहाइट से ये नापा जाएगा तो फ्रेंड 72 से 78 होगा, अगर सेल्सियस में बात करेंगे तो ये 22 से 26 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर ध्यान दें ये सेल्सियस में लिखा है, ये फारेनहाइट में लिखा है, फारेनहाइट में 72 से 78 फारेनहाइट माना जाएगा, डिग्री फारेनहाइट, अगर फारेनहाइट में होगा तो ये आंसर सही माना जाएगा, लेकिन अगर बिटवीन पूछा जाता है, इसका जो फ्रेंड बिटवीन टेम्परेचर होता है वो 22 से 26 तक होता है, मतलब 22 डिग्री से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो टेम्परेचर होता है वो लेबर रूम का टेम्परेचर होता है फ्रेंड, इसके बीच का टेम्परेचर माना जाता है ड्यूरिंग द डिलीवरी रूम फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स ये टेम्परेचर क्या है फ्रेंड्स, सभी देशों के लिए अलग अलग होता है, होता कैसे अलग है हम आपको समझाना चाहेंगे थोड़ा जियोग्राफिक रूप में, यहाँ पर क्या फ्रेंड्स हमारा इंडिया है यहाँ पर, और ये इक्वेटर पाया जाता है, इक्वेटर के आसपास जितनी कंट्रियां हैं फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रेंड टेम्परेचर ज्यादा होता है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसके नीचे साउथ पोल है, इसके ऊपर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर एन होता है, यहाँ पर एस होता है, ये फ्रेंड अंटार्कटिका वगैरह जो फ्रेंड्स यहाँ पर अंटार्कटिका, ये फ्रेंड आर्कटिक सागर है, ये फ्रेंड जितने भी नॉर्थ की कंट्रियां हैं यहाँ पर फ्रेंड टेम्परेचर बहुत नॉर्मल रहता है, बहुत जीरो रहता है यहाँ का टेम्परेचर, तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड लेबर रूम का टेम्परेचर ज्यादा माना जाएगा, आप लोग कभी कभी गूगल में सर्च करते होंगे तो लिखा होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये फ्रेंड नॉर्थ कंट्रियों का है फ्रेंड्स, जो उत्तर में स्थित है इक्वेटर के जस्ट ऊपर में स्थित है फ्रेंड्स, यहाँ टेम्परेचर बहुत नॉर्मल होता है फ्रेंड्स, बहुत 0 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री कभी कभी तो माइनस में चला जाता है,
तो इसलिए जो फ्रेंड नॉर्थ कंट्रियां हैं फ्रेंड्स उनके लिए टेम्परेचर दूसरा होगा, उनके लिए टेम्परेचर दूसरा होगा। और जो हमारी इक्वेटर के आसपास, जैसे हमारा इंडिया इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में हमारा इंडिया है फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है इनके जो बीच की कंट्रियां हैं उसका जो लेबर रूम का टेम्परेचर होगा वो होगा 24 या कहें 22 से 26 के बीच में होगा, ये एवरेज लिया गया है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में एग्जैक्ट मिले तो 24 मार करो, अगर 24 ऑप्शन में ना मिले 23 लिखा है तो 23 सही माना जाएगा, क्योंकि वो भी 22 के और 26 के बीच में आता है फ्रेंड्स। लेकिन अगर एग्जैक्ट मिल जाए तो आपको 24 पे मार्क करना है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और 22 से 26 के बीच में अगर दिया जाए तो फ्रेंड इस तरह ऑप्शन सही माना जाएगा, 22 से 26 के बीच वाला आंसर सही होगा फ्रेंड। फिर ये बिटवीन टेम्परेचर लिखा है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्थ साउथ में हमारा क्या है, बहुत ज्यादा यहाँ सूर्य की किरणें नहीं जाती इसलिए बहुत ठंडी होती, यहाँ बर्फ जमी रहती, इसलिए जो आप नेट में या गूगल में सर्च करते होंगे कहीं पर भी तो उस पर होता क्या फ्रेंड्स आपको क्लियर नहीं पता होता, क्योंकि आपका बैकग्राउंड नहीं है फ्रेंड्स, वो आप इतने पढ़ते भी नहीं होंगे फ्रेंड्स कि इसका मतलब क्या होता है, इक्वेटर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, कैसे आप समझेंगे फ्रेंड। तो जो फ्रेंड्स हमारा नॉर्थ है और साउथ है यहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी जो अर्थ है फ्रेंड वो इस तरह थोड़ा सा तिरछा है, इसलिए ये एरिया रह जाते हैं फ्रेंड्स। इन एरिया के लिए फ्रेंड्स जो लेबर रूम का टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा, वो बहुत ज्यादा होगा, और यहाँ का भी टेम्परेचर ज्यादा होगा। जो ट्रॉपिक कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के जो देश है उनके लिए टेम्परेचर ये माना जाता है, जो हमने यहाँ पर बताया आपको फारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये दो कंडीशंस होती है, एक होता है हाइपरथर्मिया, जहां शरीर का तापमान बढ़ जाता है, हाइपरथर्मिया का मतलब होता है शरीर का तापमान बढ़ जाता है, वहीं एक होता है हाइपोथर्मिया। हाइपर मींस होता है फ्रेंड उच्च तापमान, और हाइपो मतलब होता है निम्न तापमान, जैसे मैंने आपको बताया था हाइपरटेंशन एक होता है हाइपोटेंशन, हाई बीपी लो बीपी के बारे में बताया था, उसी तरह इसको भी समझे आप। हाइपर थर्मिया का मतलब होता है ज्यादा तापमान होता है, हाइपो का मतलब होता है तापमान बहुत कम हो जाना, हाइपो में थर्मिया में शरीर की जो हीट होती है बहुत ज्यादा मात्रा में शरीर से बाहर निकल जाती है, इसलिए टेम्परेचर ज्यादा लेबर रूम का टेम्परेचर ज्यादा रखा जाता है। और जब हाइपरथर्मिया होता है फ्रेंड तो इसपे क्या होता है फ्रेंड बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जब लेबर रूम का टेम्परेचर रखा जाता है तो कम रखा जाता है। लेकिन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ये फ्रेंड्स जब ये दोनों डिसीज इन दोनों कंडीशन जो हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया जब होगा तब ऐसा होता है फ्रेंड्स। लेकिन जो अभी हमने समझाया इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कर्क रेखा मकर रेखा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के बीच की जो कंट्रियां क्या टेम्परेचर होगा, और आपको एवरेज में ये समझ के चलना है फ्रेंड्स, अगर एग्जैक्ट आंसर होगा तो 24 माना जाएगा, उम्मीद है आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, किस रोग की अंतिम अवस्था को लाग्जा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन होगा इसका बी टिटनेस को, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है किस रोग की जो अंतिम अवस्था होती है लाग्जा, आप यहां पर थोड़ा समझ रहे लाग्जा, लॉक मींस होता है लॉक हो जाता है, जा मींस होता है जबड़ा, जा मींस क्या होता है जबड़ा फ्रेंड्स, लॉक हो जाता है, खाने पीने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये किस रोग की अंतिम अवस्था है टिटनेस की। क्वेश्चन अब हमारा 60, भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून कब लागू हुआ था, जल्दी से कमेंट करें आंसर, ऑप्शन इसका फ्रेंड ए 1974 में लागू हुआ था, 1974 में लागू हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश में द वाटर पॉल्यूशन द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में लागू हुआ था। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 का आंसर बताएं जल्दी से आप, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी, ऑप्शन क्या होगा इसका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका ए 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 62, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 62, जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी, कब हुई थी फ्रेंड प्रारंभ की गई थी, ऑप्शन होगा इसका डी 2005 को जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई थी फ्रेंड, JSY फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है हमारा 63, नियासिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, आंसर क्या होगा इसका फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका बी प्लेगरा डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 64, निम्न से भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, क्या होगा आंसर इसका जल्दी से कमेंट करें, ऑप्शन इसका ए क्वैशर्कर, प्रोटीन की कमी से क्वैशर्कर हो जाता है, प्रोटीन प्लस एनर्जी की कमी से मरेस्मस डिजीज हो जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है 65, एस्कॉर्बिक एसिड क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन इसका सी एक प्रकार का विटामिन है, एस्कॉर्बिक एसिड केमिकल नेम है किसका, विटामिन सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 66, जल्दी से बताएं आंसर, रक्त प्रभाव में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका ए
साइनोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? जब ब्लड ब्लड में ऑक्सीजन की जो कमी होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, तो उसको साइनोसिस के नाम से जाना जाता है। और एक टर्म इसके लिए यूज किया जाता है, अभी कोरोना काल में बहुत चर्चा में था, एक था फ्रेंड्स टर्म्स हाइपोसिस। हाइपोसिस क्या होता है? इन एब्सेंस ऑफ द इनफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू आर द ब्लड बॉडीली फंक्शन। जब फ्रेंड बॉडी में जो टिश्यू में या बॉडी के ब्लड में फ्रेंड जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है उसको हाइपोक्सिया भी कहते हैं। और साइनोसिस, साइनोसिस में क्या होता है फ्रेंड्स? हाथ पैर नीले पड़ जाते हैं फ्रेंड्स। क्या होता है? ब्लू कलर या ब्लू ग्रे कलर हो जाता है फ्रेंड्स। किसका? हाथ पैर का कलर फ्रेंड ब्लू हो जाता है। ये फ्रेंड्स क्या होता है? इनएडिक्वेट ऑफ द ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हमारे ब्लड में नहीं होती तब ऐसा होता है। तो इसे क्या कहते हैं? साइनोसिस। और हाइपोक्सिया भी यही वर्ड होता है फ्रेंड्स, लेकिन ध्यान रखना है ये टिश्यू और ब्लड में जब इसकी कमी हो जाती है फ्रेंड्स, किसकी? ऑक्सीजन की। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट 67, जल्दी से कमेंट करें आंसर। तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस का संचरण किस प्रकार होता है? ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन इसका फ्रेंड्स बी, वायु जनित रोग है या एयरबॉर्न डिसीजेज है। ऑप्शन बी है, आप देख सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस बाय एयरबॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 68, एंटी कोगुलेंट ड्रग्स में से कौन सी है? क्या होगा आंसर इसका? जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन इसका डी, हेपेरिन। हेपेरिन क्या है? एंटी कोगुलेंट ड्रग्स है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी है, हेपेरिन के कारण फ्रेंड जो हमारी वेन होती है उसमें रक्त नहीं जमता, ब्लड नहीं जमता, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप, ये हमारा पिछले वीडियो क्वेश्चन था, हड्डी टोल बुखार ब्रीक बोन फीवर किसे कहते हैं? ये फ्रेंड्स ऑप्शन है ए, डेंगू को कहते हैं। किसको कहते हैं? डेंगू को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, आप यहाँ से थोड़ा डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। जो हड्डी टोल बुखार होता है इसमें बहुत पेन होता है फ्रेंड्स मसल्स में। ये लिखा है इट इज नोन आल्सो द ब्रीक बोन फीवर बिकॉज ऑफ द सिवर मसल्स ज्वाइंट एंड द बोन पेन्स। इसमें क्या होता है? बोन के जो जोड़ होते हैं वहां पर फ्रेंड ज्वाइंट में बहुत ज्यादा पेन होता है, मसल्स में बहुत पेन होता है, इसलिए हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 17, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे दिया गया रक्त कैंसर किसे कहा जाता है? व्हाट इज द ब्लड कैंसर? किसके कारण होता है या किसे कहा जाता है आपको बताना है फ्रेंड्स, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप आंसर इसका बताएंगे। इसे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और फ्रेंड्स इसे शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। अगर चैनल पर फ्रेंड्स नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए डेली एक टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं, टेस्ट सीरीज का हिस्सा बने फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर फ्रेंड्स नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं फ्रेंड्स और ऐसे वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसलिए आप फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।